नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर ममता बैनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। मंत्री पद और विधायक की मेंबरशिप से इस्तीफा देने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी की सदस्यता भी छोड़ दी है। तो उधर जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव को लेकर तीनों आईपीएस दिल्ली में तैनात किए गए हैं। इसे लेकर ममता सीधे केंद्र पर प्रहार के मूड में आ गई है। इससे पहले जबरदस्त टकराव चल रहा है पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच, जिसमें राज्यपाल भी जब तब स्टेटमेंट्स देते हैं तो उसमें वो टकराव की स्थिति दिखाई देती है। लेकिन इस बीच ममता बैनर्जी ने ट्वीट के जरिए भी केंद्र पर निशाना साधा है। तीन आईपीएस अफसरों के तबादले पर ये टकराव और बढ़ गया है। जेपी नड्डा जब पहुंचे थे पश्चिम बंगाल दौरे पर, इस दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ था। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी के शीशे टूटे थे, उन्हें चोट आई थी। और तब से जो परिस्थितियां केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच अधिकारों को लेकर संघीय ढांचे में एक जिस तरह की कहने की एक तालमेल जो होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा, और पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले जिस तरह की बिसात वहां पर बिछती दिखाई दे रही है, बीजेपी का उभार वहां पर ममता बैनर्जी को रास नहीं आ रहा, और उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो बगावत चल रही है वो भी उनके लिए मुश्किल खड़े कर रही है। उनके संघर्ष के दिनों के साथी शुभेंदु अधिकारी इस्तीफा दे दिया है उन्होंने पार्टी से। कयास ये लग रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में तस्वीर क्या बदलती है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, अब सवाल ये है कि टीएमसी में एक के बाद एक नाराज नेताओं के चेहरे और सार्वजनिक मंच पर उनके बयान सामने आ रहे हैं, और अकेले शुभेंदु अधिकारी तक ही ये मामला सीमित नहीं है, बल्कि आशंका तो ये है कि शुभेंदु अधिकारी के पार्टी से बाहर निकलने के बाद क्या ये रास्ता बाकी नाराज नेताओं के लिए भी खुल रहा है। देखिए, हम तो जो भी मेरे मुद्दे हैं, मैंने कहा था कि मैडम सामने मैं बात रखना चाहता हूँ, और आरोप विश्वास जी के माध्यम से मेरे पास ये खबर भेजी गई है कि 18 को मैडम 5 मिनट समय दे सकती है। शुभेंदु अधिकारी कोनो पदे लोप करें ना, क्यों क्यों बोले छिलें ना, पद देखिए लोग आनछे। আমি 27 নভেম্বর মন্ত্রী ছাড়ার পরেও আমার সভা সমিতিতে লোক আছে। এই যে পোস্টার পড়ছে, এটা বলছে মানুষের একটা ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। ক্ষোভে দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে, দলের নেতৃত্বের জেলা নেতৃত্ব যে এটা মমতা ব্যানার্জি বলছে পুরনো নতুন মিলে কাজ করতে হবে, নতুন পুরনো মিলে মিলেমিশে কাজ করতে হবে, তা সে নতুন পুরনো মিলে তো কাজ হচ্ছে কোথাও। तो यहां पर आपने सुनील मंडल का स्टेटमेंट सुना, जो सांसद हैं, नाराजगी उनके सुरों में भी दिखाई दे रही है। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि पद का लालच नहीं, तो जितेंद्र तिवारी तो बकायदा एक चिट्ठी लिख चुके हैं जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह की परेशानियां काम करने में आ रही हैं। तो ये तमाम चीजें ममता सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं, और चुनावों से पहले टीएमसी में जिस तरह की ये बगावत दिखाई दे रही है, इसने ममता बैनर्जी के संकट को और बढ़ा दिया है। ये शुभेंदु अधिकारी हैं, ममता बनर्जी के संघर्ष का साथी। लेकिन अब शुभेंदु ने रास्ता बदल लिया है। पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर विधायक की सदस्यता छोड़ी। अगली मंजिल क्या होगी, इसे बंगाल की जनता बखूबी समझती है। आते हैं तो हम उनको स्वागत करते हैं, क्योंकि कई बड़े बड़े नेता भाजपा में शामिल होकर के भाजपा का संगठन बढ़ाए हैं, जीत में योगदान दिए हैं, और इस प्रकार आगे चलकर बंगाल का विकास में उनका योगदान रहेगा। जब विधानसभा चुनाव दहलीज पर है तो ममता दीदी के घर में दंगल हो रहा है, बारी बारी अपने बिछड़ रहे हैं। इस भगदड़ ने ममता की मुश्किलें बेहद बढ़ा दी हैं। जरा गौर कीजिए, एक साल में टीएमसी का दामन किन किन बड़े चेहरों ने छोड़ दिया है। 16 दिसंबर 2020 पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी का विधायक पद से इस्तीफा। 27 नवंबर 2019 कूच बिहार से विधायक मिहिर गोस्वामी ने टीएमसी छोड़ी। 1 अक्टूबर 2019 विधायक सब्यसाची दत्ता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल। 14 मार्च 2019 चार बार विधायक रहे अर्जुन सिंह बीजेपी में शामिल। 12 मार्च 2019 पूर्व टीएमसी सांसद अनुपम हजारा बीजेपी में शामिल। 8 जनवरी 2019 टीएमसी सांसद सुमित्र खान बीजेपी में शामिल। अभी तृणमूल का जो लीडर लोग थे, पहले जो तृणमूल तैयार किया है वो लोग डिसीजन ले लिया है, ये तृणमूल जो लीडरशिप अभी चल रहा है उसका साथ वो लोग काम करेगा नहीं। शुभेंदु अधिकारी एक बड़े नेता हैं, पॉपुलर नेता हैं, उनका नाम बहुत लोग जानते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि टीएमसी के लिए तो एक ये बहुत बड़ा लॉस है। दूसरा है कि अगर वो बीजेपी में जाएं,
तो बीजेपी को ये संभालना काफी मुश्किल काम होगा। शुभेंदु के इस्तीफे के बाद भी टीएमसी में बगावत का ज्वार भाटा जारी है। खबर है कि टीएमसी के बागी नेताओं की एक और बैठक हुई है, जिसमें सांसद सुनील मंडल और जितेंद्र तिवारी भी शामिल थे। तृणमूल सुप्रीमो ने न सिर्फ उन्हें बार बार मौके दिए, बल्कि उस मौके पे चौका मारकर वाहवाही भी लूटने का अधिकार दिया। लेकिन तकलीफ तब शुरू हुई जब शुभेंदु अधिकारी को युवा नेताओं की पीठ से हटाकर अभिषेक बनर्जी को लाकर खड़ा कर दिया गया, और इन सब के बीच में राजनीति का एक अलग दौर ही शुरू हो गया, जिसने दूरियां भी की और कई गुना इन दूरियों को बढ़ा भी दिया। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, मिदनापुर आज तक। तो आपको बता दें कि जिस तरह की ये परिस्थितियां अभी पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही हैं, ये यकीनन टीएमसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि अब आगे की रणनीति शुभेंदु अधिकारी के लिए क्या रहेगी। देखना यह भी दिलचस्प है कि अब गृहमंत्री अमित शाह का दौरा वहां पर 19 तारीख को प्रस्तावित है, तो ऐसे में बीजेपी में जाने की अटकलें भी जबरदस्त है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, बात कृषि कानून को लेकर किसानों के आंदोलन की। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है किसी भी तरह की रोक लगाने से। आज इस मामले में सुनवाई हुई, लेकिन किसान संगठनों का नुमाइंदा न होने से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अगली सुनवाई पर टाल दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसानों का पक्ष जानने के बाद ही फैसला होगा। अगली सुनवाई वेकेशन बेंच में होगी। आज ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मशवरे के तौर पर केंद्र से कहा कि क्या वो कानून पर दोबारा विचार कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल ने साफ कहा कि यह संभव नहीं है, और ऐसा ही सरकार लगातार अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स में भी इससे पहले कह चुकी है कि कानून वापस लेना ये संभव नहीं है। और किसान संगठन जो आंदोलन पर बैठे हैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार से पूछा तो एक बार फिर इनकार कर दिया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा यह मुमकिन नहीं, लेकिन आगे की क्या राह होगी सवाल यही है। अशोक सिंघल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक, यकीनन किसान भी नजरें टिकाए बैठे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हो रहा है, और क्या सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए हल की दिशा में कोई जो है तस्वीर या रास्ता खुलता है। किस तरह के रिस्पॉन्सेज आपको मिल रहे हैं? देखिए, नजर तो जरूर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस आंदोलन को लेकर। लेकिन मेरे किसान नेताओं से बात हुई, सतनाम सिंह जो किसान और मजदूर जो आंदोलन है, पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट जो भी कर रहा है हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन मतलब प्रधानमंत्री खुद बैठ करके कमेटी बनाए, सुनवाई करे, किसानों के साथ बातचीत करे और तीनों कानूनों को वापस ले। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मामला मतलब सीधा है, किसानों का ये कहना है कि लंबा खींचना, लंबी आगे टल जाएगा मामला। तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए और पूरे मामले को इनिशिएट करना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए, नहीं तो हम बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। तीनों कानून वापस हो, एमएसपी को लेकर गारंटी कानून बनना चाहिए, ये किसानों का कहना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई चल रही है उस पर भी नजर है किसानों की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि सभी पक्षों को सुनने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि सरकार अगर जब तक सुनवाई चल रही है इस कानूनों को होल्ड कर दे, तो लेकिन सरकार ने कहा कि बात करके बताएंगे, एजी ने जो कहा है। लेकिन किसान है कि प्रधानमंत्री खुद आगे आके। बिल्कुल, तो अशोक हमें यहां पर अहम जानकारी दे रहे हैं कि किसान ये भी कह रहे हैं कि अब अगर कमेटी बनती है तो प्रधानमंत्री उसके अगुवा हो, वो उसकी अध्यक्षता करें, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए। पर इस सबके बीच सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा चुका है, और ऐसे में सवाल बार बार ये उठ रहे हैं कि क्या अब रास्ता सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। अशोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, एक बात मैं समझना चाहती हूं आपसे, क्योंकि आप लगातार किसानों के बीच थे। सरकार बार बार अपने स्टेटमेंट्स में, चाहे कृषि मंत्री ने कहा हो या दूसरे मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि किसानों के संगठन देश भर में कई हैं, और कुछ लोग सरकार के कानून के पक्ष में दिखते हैं तो कुछ आंदोलनकारियों के पक्ष में दिखाई देते हैं। तो ऐसे में एक मत एक राय कैसे बनेगी, किसका वर्जन स्वीकार किया जाएगा? किसानों के गुट लगातार कृषि मंत्री से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कच्छ में कुछ लोगों से मिले, कल मध्य प्रदेश के किसानों को एड्रेस करने को, तो इसमें डिवीजन है। कुछ किसान कहते हैं कि ये कानून अच्छे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं पंजाब के खासतौर से, हरियाणा के, उनका कह रहा है कि ये ठीक कानून नहीं है, इनको ऑफिस लिया जाना चाहिए। तो सरकार बार बार ये कह रही है, चाहे कृषि मंत्री रहे और लगातार मीटिंग हुई है किसानों के साथ, सीट पर भी मौजूद रहे कई मंत्री, अमित शाह ने भी मीटिंग ली, कि हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार, सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा
जो सरकार के किसानों की बातचीत हुई है उसमें कोई रास्ता निकलता दिख नहीं रहा है, निकला भी नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब खुद मॉनिटर कर रही है, पूरे मामले को सुनवाई कर रही है। लेकिन किसानों का भी ये कहना है कि सरकार जो है तीनों कानूनों को जब तक वापिस नहीं करेगी तब तक हम लोग मानने वाले नहीं है, तीनों कानून को वापिस करने चाहिए। सरकार तीनों कानून वापिस जी, यही वजह है अशोक की गतिरोध भी बना हुआ है। और देखिए 22वां दिन है आज किसान आंदोलन का, दिल्ली में 5 डिग्री वाली सर्दी आ चुकी है और ऐसे में किसान 22 दिन से लगातार बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। किसान दो टूक कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने। दिल्ली को चारों तरफ से किसानों का प्रदर्शन देखना पड़ रहा है, उसको लेकर के कई सारी आशंकाएं केंद्र सरकार की तरफ से भी है कि इस तरीके से दिल्ली वालों के अधिकारों पर असर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जो बात केंद्र कह रही है कितना उसमें दम? नहीं, यहाँ तो नहीं कोई असर हो रहा, यहाँ तो नाम ना घेर रखी है, पूरा ट्रैफिक चल रहा है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर है, बाकी कई सारे बॉर्डर ऐसे है जैसे सिंगू है, टिकरी है, जहाँ पूरी तरह से यातायात बंद है। तो नहीं, यातायात पूरी बंद है, बराबर से निकल जाते हैं, निकल जाए। हमने सील नहीं करा इसको, वेल्डिंग से सील कर दिया हो, हम बैठे, बड़ा प्रोटेस्ट है हमारा एक करने। कई सारी बातें हुई इसमें, ये बात हुई है कि किस तरीके से ये जो गतिरोध है आप बैठे हैं तो वहाँ पर कैसे खत्म किया जाए, कमेटी बनाई जाए, किस तरीके से हो, आपको क्या लगता है कि जो कमेटी की बात आ रही है उससे कुछ समाधान निकलेगा? हाँ, बातचीत तो होनी चाहिए, सरकार से बातचीत होना चाहिए, उसी से समाधान निकलेगा। ये भी है कि अभी तक तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये भी आशंका व्यक्त की गई कि अगर ये वायलेंट हो जाता है, अगर इसमें हिंसा होती है तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? क्यों हो जाएगी हिंसा? आशंका है, आशंका नहीं होनी चाहिए, ये तो शांतिपूर्ण तरीके से है। पुलिस को निगरानी रखे हुए कि पुलिस हमारे हमें छेड़खानी ना करे। भाई क्यों रोक रही है पुलिस? लोग आ रहे हैं, रोक पुलिस रही है, बैरिकेटिंग पुलिस लगा रही है, तो दिक्कत जो करेगी वो पुलिस करेगी, हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा। सरकार अब तक किसानों को भरोसा देती रही, एमएसपी का वादा करती रही ताकि गतिरोध को खत्म किया जा सके। उससे एक कदम आगे जाकर अब सरकार खुद किसानों के बीच पहुंच रही है। केंद्र में मंत्री, बीजेपी के कई मुख्यमंत्री सम्मेलन कर रहे हैं। वह एक्ट किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, मार दिया मोदी ने, अरे तुम करो तो कुछ नहीं, और मोदी जी कह रहे तो किसान को आजाद करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की आवाज बुलंद हो रही है तो देश के दूसरे हिस्सों में सरकार किसानों से मुखातिब है। किसान कह रहे हैं उनके हितों को गिरवी रखा गया है, तो सरकार घूम घूम कर कह रही है ये तकरार तो भ्रम के शिकार होने का नतीजा है। तीन नए कृषि सुधार बिल जो आए हैं वह किसान की हर समस्या का समाधान है। देश भर में किसान इसका स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, मुझे भी आकर मिल रहे हैं, लेकिन पंजाब में कुछ अनरेस्ट दिखाई देता है, उसके अनेक कारण हैं, लेकिन पंजाब की भी किसान यूनियन से हमारी वार्ता चल रही है और जल्दी समाधान निकलेगा, ऐसी मुझे पूरी आस। यूपी में योगी आदित्यनाथ, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश में शिवराज कैलाश विजयवर्गीय, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत। केंद्र सरकार और बीजेपी ने कृषि कानूनों पर किसानों को भरोसे में लेने का अभियान छेड़ दिया है। मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम दिग्गजों को मोर्चे पर उतारा गया है। दिल्ली में बात नहीं बन रही तो सरकार ने बाकी किसानों की तरफ कोशिशों का रुख मोड़ दिया है। 12 दिसंबर 2020 हरियाणा के किसानों से मिले नरेंद्र तोमर, 13 दिसंबर 2020 उत्तराखंड के किसानों से मिले नरेंद्र तोमर, 14 दिसंबर 2020 यूपी, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा के किसानों से मिले नरेंद्र तोमर, 15 दिसंबर 2020 कच्छ में किसानों से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, 15 दिसंबर 2020 यूपी के किसानों से मिले नरेंद्र तोमर, 16 दिसंबर 2020 ग्वालियर के किसान सम्मेलन में नरेंद्र तोमर, रीवा के किसान सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान, इंदौर के किसान सम्मेलन में कैलाश विजयवर्गीय, 17 दिसंबर बरेली के किसान सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ। इन कानूनों के माध्यम से किसान के पास टेक्नोलॉजी पहुंचेगी,
इन कानूनों के माध्यम से किसानों के पास प्रोसेसर पहुंचेंगे, एक्सपोर्टर पहुंचेंगे और किसान वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकेगा। किसानों के कंधे पर रक्त बंधु चढ़ा रहे हैं, मार दिया मोदी ने, ये किसान विरोधी कानून है। अरे तुम करो तो पुण्य और मोदी जी करे तो पाप। धन्य भी कांग्रेस, जरा भी शर्म नहीं आती। एक दिन भी दस मिनट बजा दे उजू टन तुरंत गलत है, गलत है, गलत है। और राहुल बाबा किसका को चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। जनता ने ऐसा पछाड़ा के आज तक लूट पाया। इस कृषि बिल को लाकर किसान को आजाद करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्या नरेंद्र मोदी जी ने गुनाह किया है? अब कुछ तस्वीर ऐसी बन रही है कि इस घमासान में किसान के मुकाबले में किसान ही हैं और इसका अंजाम कहां जाकर थमेगा ये कोई नहीं जानता। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। देश के मैदानी इलाकों पर भयंकर सर्दी का सितम है लेकिन वतन के रखवाले सरहद पर मुस्तैद हैं। कश्मीर पर जब LOC पर पारा 0 डिग्री तक गिर जाता है तब भी वीर सपूतों का हौसला रत्ती भर भी नहीं डिग पाता। हम आपको ले चलते हैं पुंछ जिले से लगती नियंत्रण रेखा के करीब और आपको दिखाते हैं आज तक की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। पूरा उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। कंबल में दुबकने के अलावा अलाव और चाय की चुस्की ही इस ठिठुरन की दवा रह गई है। ऐसे में जरा सरहद की रखवाली में मुस्तैद देश के शूरवीरों की सोचिए जो बेहद मुश्किल हालात में भी सरहद पर डटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल की पहाड़ियां हो, उत्तर कश्मीर का कुपवाड़ा या बारामूला जिला, हाल के दिनों में हुई बर्फबारी से जम्मू कश्मीर ठिठुरा देने वाली सर्दी की चपेट में है। कई जगहों पर कभी कभी पारा 0 डिग्री को भी छू जाता है। ऐसे विपरीत हालात में हम निकल पड़े पुंछ जिले से लगी नियंत्रण रेखा में जवानों के हाल का जायजा लेने के लिए कि वो सर्दी के साथ दुश्मनों का सामना किस तरह से कर रही है। इस समय हम मौजूद हैं नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में और हम बिल्कुल जो है नियंत्रण रेखा के पास अब जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो SOP है हम एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये देश के दिलेर जवान है, माँ भारती की रक्षा में जान कुर्बान करने को हमेशा तत्पर। इन्हें न तो चिलचिलाती धूप सताती है न मूसलाधार बारिश। शरीर को जमा देने वाली सर्दी में भी ये जवान हमेशा अपने कर्तव्य पर मुस्तैद रहते हैं। इनके जहन में हमेशा सिर्फ एक ही बात होती है, देश का सिर कभी न झुके। इस समय मैं मौजूद हूँ नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में और काफी दुर्गम स्थान है ये। और यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारे सैनिक है, भारतीय सेना के जो बहादुर सैनिक है, कैसी विषम परिस्थितियों में जो है यहाँ पर जो है नियंत्रण रेखा की निगरानी करते हैं। आप देख ही सकते हैं कि कितना ये दुर्गम स्थान है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं यहाँ पर। और मेरे कैमरा पर्सन जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बर्फ से जो है ढकी हुई पहाड़ियां हैं और इस इलाके की निगरानी करना जो है काफी कठिन कार्य रहता है। लेकिन हमारे जो बहादुर सेना के जो सिपाही हैं वो 2400 घंटे यहाँ पर जो है नियंत्रण रेखा की निगरानी करते हैं, चौकसी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पाकिस्तान जो है बार बार दुस्साहस करता है, चाहे वो सीज फायर का उल्लंघन करना हो या यहाँ से आतंकवादियों की घुसपैठ करानी हो। जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया है शायद ही कोई दिन बीता हो जब उसने भारत को परेशान करने में कोई साजिश न की हो। चाहे आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर आतंकी हमले की साजिश हो या बगैर उकसावे के LOC से लगी बस्तियों और सेना के चेक पोस्ट पर फायरिंग, ऐसे विकट हालात और विषम मौसम में देश की सरहद की रखवाली करना किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं। हम इस समय मौजूद हैं बिल्कुल नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में और हाल फिलहाल में जो है पाकिस्तान ने जो है एक बार फिर जो है नियंत्रण रेखा पर जो है तनाव बढ़ा दिया है, चाहे वो सीज फायर का उल्लंघन हो या घुसपैठ करानी हो आतंकवादियों की।
पाकिस्तान जो है हमेशा इस फिराक में रहता है कि वो नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है तनाव बढ़ाए। और अभी हाल फिलहाल में जो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है उसके अनुसार जो टेरर लॉन्च पैड्स है नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ यानी कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की तरफ, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाए। वो देखिए, वो जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देख रहे हैं वहां पर जो है पाकिस्तान की चौकियां हैं, उस तरफ जो है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है और वहां पर जो टेरर लॉन्च पैड्स है वहां पर आतंकवादी जो है भारी संख्या में मौजूद है और वो इस फिराक में लगे हुए हैं कि वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है घुसपैठ करे। तस्वीरें देखिए, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, बर्फ को चूमती हवा जब आती है तो लगता है मानो जिस्म पर छुरियाँ चल रही हो। ऐसे में यहाँ पहरेदारी करना बेहद मुश्किल है। इन्हीं पहाड़ियों के पीछे पाकिस्तान की चौकियाँ हैं जहाँ से फायरिंग होती रहती है। उसी रास्ते फायरिंग की आड़ में पाक फौज आतंकियों की घुसपैठ कराता है, लेकिन इन जवानों के हौसले के आगे पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम हो जाती है। LOC पुंछ से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। अब चाहे चिलचिलाती धूप हो या फिर कड़ाके की सर्दी, LOC पर मुस्तैदी जरूरी है क्योंकि सरहद पार बैठा हुआ दुश्मन हर उस पल के इंतजार में रहता है जब जवानों की मुस्तैदी कम हो और वो किसी साजिश को अंजाम दे सके, लेकिन देश के शूरवीर दुश्मन की हर साजिश को नाकाम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की काली नियत के निशान है। भारत से हर बार पिटने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से काली करतूतों से बाज न आने के ये निशान है। ये वो सबूत हैं जो चीख चीख कर इस बात की मुनादी कर रहे हैं कि पाकिस्तान का स्थायी इलाज जरूरी है। ये पुंछ जिले में सरहद से लगा गांव है। टेबल पर रखे मोर्टार के टुकड़े पाकिस्तान की तरफ से आए हैं। इस समय जो इस टेबल पर डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के क्रूर चेहरे का प्रमाण है। पाकिस्तान जो है बार बार ये दावा करता है कि वो शांति में विश्वास रखता है, लेकिन ये देखिए, ये प्रमाण है पाकिस्तान के बर्बर चेहरे का और ये प्रमाण है पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन का। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये मोर्टर शेल है, उसके बचे हुए अवशेष हैं जो पाकिस्तान ने यहाँ पर मोर्टर शेल जो रिहायशी इलाकों में दागे हैं नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में। और पाकिस्तान ने बार बार जो है यहाँ पर मासूम लोगों को निशाना बनाया है नियंत्रण रेखा पर। एक तरफ मौसम का कहर और दूसरी तरफ पाकिस्तानी रेंजर्स के हमले, LOC पर जवानों के लिए जिंदगी बेहद दुश्वार है, लेकिन हमारे बहादुर हर चुनौती का डटकर सामना कर रहे हैं। अभेद्य बंकरों में मौजूद देश के शूरवीर पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं नियंत्रण रेखा पर स्थित एक बंकर के अंदर और यहां पर जो है हमारे बहादुर सैनिक जो है 2400 घंटे जो है नियंत्रण रेखा की निगरानी करते हैं और इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि अगर पाकिस्तान यहां पर कोई दुस्साहस करता है तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस बंकर के अंदर जो है काफी विषम परिस्थितियों में जो है हमारे सैनिक जो है 2400 घंटे निगरानी करते हैं नियंत्रण रेखा की। जैसे एक कुशल निशानेबाज की आंखें हमेशा टारगेट पर होती हैं, ठीक उसी तरह देश के रखवाले हर पल टारगेट पर नजर रखते हैं। दुश्मन खेमे से नापाक हलचल हुई तो पलक झपकते ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सैनिक जो है इस समय डटा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर जो है निगरानी कर रहा है, उनकी उंगलियां जो है ट्रिगर पर है, आंखें जो है बिल्कुल पाकिस्तान की चौकियों पर है क्योंकि पाकिस्तान जो है बार बार यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन करता है। और यहीं पर आप देखिए इस बंकर से जो ये छोटी खिड़की सी है आप देख सकते हैं इसे तस्वीरें, वो बर्फीली पहाड़ियां हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, उन्हीं पहाड़ियों के ऊपर जो है पाकिस्तान की चौकियां स्थित है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद ये चुस्ती यूं ही नहीं है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि चुस्ती जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपनी हिमाकत से बाज नहीं आता। इस साल 13 नवंबर को युद्ध विराम उल्लंघन की 4052 घटनाएं हुई हैं। अकेले नवंबर में सिर्फ पहले 13 दिनों में ही 128 बार पाकिस्तान ने बगैर उकसावे के गोलियां चलाई। अक्टूबर में युद्ध विराम तोड़ने की 394 घटनाएं हुई हैं। इस साल अब तक पाकिस्तानी फायरिंग में 20 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 47 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं।
भारत न जाने कितनी बार पाकिस्तान की ऐसी साजिशों को बेनकाब कर चुका है, लेकिन शातिर पाकिस्तान हर बार इसे गलत बताकर नई साजिशों में लग जाता है। जो मोर्टर शेल का जो बचा हुआ अवशेष है, इस पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं POF यानी कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यानी कि इसका अर्थ है कि जो ये मोर्टर शेल है ये पाकिस्तान में बना हुआ है और इस मोर्टर शेल को जो है पाकिस्तानी सेना ने यहां पर रिहायशी इलाकों में दागा है और भारत के जो मासूम नागरिक हैं उनको निशाना बनाया है। तो पाकिस्तान का जो चेहरा है वो बेनकाब होता है, ये उसका प्रमाण है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, नियंत्रण रेखा, पुंछ, जम्मू, आज तक। जवानों की मुस्तैदी तो आपने देख ली, अब आपको दिखाते हैं उन गांवों का दर्द जो LOC से लगते हैं। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलीबारी का निशाना ये गांव वाले भी बनते हैं। जब से पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों के साथ मिलकर बॉर्डर एक्शन टीम बनाई है, सरहद की जिंदगी और मुश्किल हो गई है। इनकी जिंदगी की खुशी इन तस्वीरों में कैद हो गई। कभी हंसता खेलता परिवार हुआ करता था, लेकिन अब गम और संघर्ष के सिवा कुछ नहीं बचा। पुंछ जिले के सरहदी गांव की ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पाकिस्तान के नापाक हमले में अपने पति को खोया है। इनके पति सेना में पोर्टर का काम करते थे। इनमें एक का तो सिर काट कर ले गए थे दरिंदे। पोर्टर का काम कर रहे थे, सामान ठाक ले जा रहे थे, आगे पहुंचे पाकिस्तान वाले, उनके गला काट के ले चले। तो फिर जो आपको उनकी डेड बॉडी मिली, बिना सिर के मिली? बिना सिर के उनकी डेथ बॉडी मिली हमको। अब मेरे ये छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए, इनका सारा कौन, इनको रोटी रोजी रोटी कौन देने वाला? तो वही एक कमाने वाले व्यक्ति थे परिवार के, कमाने वाले। तो अभी कैसे गुजर बसर हो रहा है? मुश्किल से कर रहे हैं। इन हमलों में खास बात ये है कि इसे पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने अंजाम दिया था। पाकिस्तानी सेना के जवानों और आतंकियों को मिलाकर पाकिस्तान ने ऐसे शातिर हमलों के लिए ये टीम बनाई है। हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने जो है बॉर्डर एक्शन टीम बनाई है और इसके जरिए वो नियंत्रण रेखा पर जो है सैनिकों की जो है बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्याएं करता है। दरअसल इस बॉर्डर एक्शन टीम में जो है पाकिस्तानी सेना के जो है बड़े कमांडोज होते हैं और साथ ही में कई आतंकवादी संगठनों के जो है खूंखार आतंकवादी भी होते हैं और इनका काम होता है नियंत्रण रेखा पर जो है छुपके से घात लगाकर सैनिकों पर हमला करना और उनकी निर्मम तरीके से हत्या करना। मोहम्मद शौकत भी पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के हमले का शिकार हुए हैं। पुंछ में पोर्टर का काम करने वाले शौकत पर 10 जनवरी को हमला हुआ था। फौज के साथ हम काम करते हैं, फौज के साथ पोर्टर हैं हम। जब इधर से सामान लेके गए, रास्ते में जंगल था, जंगल में वो घात लगा के बैठे हुए थे, तो उन्होंने लोग थे वो हमारे को उस टाइम हमले में दो ही दिखाई दिए, हमने गिनती नहीं किया उनका। तो जब चल रहे थे हम, हमला किया, हमारे को दो लोग वो जब बंदे को उठा के ले गए तब देखे मैंने, तो हम बंदे उधर तीन बंदे गिर गए और बाकी वाले कुछ बच के साइड में, तो वो छुप गए। तो एक बंदे को उठा के नीचे जंगल में ले गए, गर्दन काट लिया उसका और दूसरे को गोली मार दिया और गर्दन काट दी, उसकी गर्दन काट दिया। तो मेरे नूरुद्दीन का दर्द भी कम नहीं है। सीमा पार के दुश्मनों के हमलों में नूरुद्दीन ने अपना बेटा खो दिया, दरिंदे उनका सिर काट कर ले गए। ये आर्मी के साथ पोर्टर थे, काम कर रहे थे, तो आगे कोई आदमी बैठे थे जंगल के बीच छुप कर, तो उन्होंने ID ब्लास्ट किया। ID ब्लास्ट करने के बाद बच्चे तो डर गए बहुत ज्यादा, उसके बाद उन्होंने फायरिंग किया, फायरिंग करके मेरे बच्चे को भी मार दिया और दूसरा जो साथ में था उसको भी मारा, उसका गर्दन काट कर ले गए। LOC से लगते गांव में जहां पर भी आप जाएंगे जख्मों के निशान आपको मिल ही जाएंगे। भारतीय फौज और सुरक्षा बल के जवान इन्हीं जख्मों पर हर वक्त मरहम लगाने का काम करते हैं। साथ ही जवानों की हमेशा कोशिश रहती है कि गांव के लोग महफूज रहें, तभी तो मौसम चाहे भीषण गर्मी का हो या ठिठुरा देने वाली सर्दी का, वतन के रखवाले हमेशा मुस्तैद रहते हैं। LOC पुंछ से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। अब एक जाबाज की ऐसी खबर जिसे दुनिया शहीद मान चुकी थी, 49 साल के बाद ये खुशखबरी मिली कि वो 1971 के युद्ध में शहीद नहीं हुए थे। पाकिस्तान ने उन्हें बंदी बना लिया था और वो पाकिस्तान की जेल में ही बंद है। बरसों बाद इस खबर के मिलने के बाद घरवालों की खुशी का ठिकाना नहीं है।
एक जाबाज के घर की दीवारों पर उसकी शहादत का सर्टिफिकेट टंग चुका था। 71 में पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले एक सच्चे सिपाही की वीरगाथा इतिहास बन चुकी थी। इन शब्दों के साथ ही परिवार की उम्मीदें भी टूट गई थी। एक सच्चे सपूत की गर्व करने वाली वीरगाथा ऐसी थी कि कोई सुन ले तो उसकी आंखों में आंसू आ जाए। कुछ ऐसा ही है जालंधर के जाबाज मंगल सिंह का सच। भारतीय फौज का एक सच्चा सिपाही, 1971 में पाक को धूल चटाने वाला वो वीर साहसी। जंग की वो तस्वीरें गवाह हैं कि युद्ध में कैसे पाकिस्तान की मिट्टी पलीत हुई थी। भारतीय सेना ने पड़ोसी मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी थी। उस भारतीय फौज का हिस्सा थे मंगल सिंह। सिपाही मंगल सिंह भी 1971 के युद्ध में लड़े थे, लेकिन पता चला कि वो लापता हो गए। फिर खबर आई कि पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1971 में 27 साल के सिपाही मंगल सिंह बांग्लादेश मोर्चे पर तैनात थे। तभी सेना का टेलीग्राम मिला कि नाव डूबने से उस पर सवार मंगल सिंह समेत कई सैनिक जान गंवा बैठे। लेकिन साल भर बाद ही रावलपिंडी रेडियो पर एक शुभ समाचार मिला। मंगल सिंह ने संदेश दिया कि वो ठीक है। तब से लेकर अब तक उनकी कोई खबर नहीं थी, न कोई चिट्ठी, न पत्री, न कोई संदेश। मंगल सिंह के घर वालों की उम्मीदें धुंधली पड़ने लगी थी। पत्नी सत्या देवी के चेहरे की झुर्रियां उस इतिहास की गवाही दे रही हैं। सीने में दर्द और आंखों में आंसुओं का समंदर लिए ये परिवार 50 साल से सिपाही मंगल सिंह का इंतजार कर रहा है। ये मंगल सिंह की वापसी से नाउम्मीद हो चुके थे, लेकिन एक पन्ने की चिट्ठी ने मानो गम के पहाड़ को बौना कर दिया है। अभी 2 दिसंबर को ही विदेश मंत्रालय से मंगल सिंह के परिवार को एक चिट्ठी मिली है। ये चिट्ठी पाकर पूरा परिवार फूले नहीं समा रहा। इसके मुताबिक मंगल सिंह के पाकिस्तान में होने की उम्मीद है। ये वो शब्द हैं जिन्हें सुनने के लिए पूरा परिवार 49 साल से इंतजार कर रहा था। एक एक पल तड़प तड़प कर कट रहा था। लेकिन मंगल सिंह के पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में होने की खबर मिली तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। रेडियो च बोले सी। अच्छा, रेडियो दे थ्रू पता लगा। हां, फिर उस तो बाद खबर चाहिए। उधरों कैदी आया छुट के, कैदी आया छुट के, और को फिर मेरे बड़े मुंडे ने पता लगा। मंगल सिंह के नाम पर सड़कों का नाम रखा जा चुका था। हर साल शहीद मानकर सम्मानित किया जाता था, लेकिन एक चिट्ठी ने बेशुमार खुशियों की बारिश कर दी है। जब मंगल सिंह गायब हुए थे तब उनके 2 बेटे थे, एक 3 साल का और दूसरा 2 साल का, लेकिन अब फला फूला परिवार है। 2012 में जब ना रिफुद्दीन नाम का एक आदमी आया था पाकिस्तान से छूट कर, और वहां से ना वो लेटर लेके आया था, तो उसमें हमारे दादाजी का नाम आ गया था। तभी से पापा ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। फिरोजपुर में भी एक आदमी आया था, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी मतलब मंजूर किया कि इस नाम का आदमी वहाँ पे है। तो तभी तो वो कोट लखपत जेल में थे, तो अभी तो नहीं मालूम है, क्योंकि अभी जो लेटर आया है उसमें उन्होंने जेल के बारे में नहीं बताया, और इस ये जरूर बताया है कि इस नाम का व्यक्ति वहाँ पे मौजूद है। मंगल सिंह के बारे में जानकारी जुटाने के लिए घर वालों ने अथक कोशिश की थी। अब कामयाबी रंग लाई है। सरकार ने भी भरोसा दिया है कि पाकिस्तान से उन्हें सकुशल वापस लाने की कोशिशें जारी रहेंगी। जालंधर से परमजीत सिंह रंगपुरिया के साथ आज तक ब्यूरो। सालों पाकिस्तान में रहने के बाद 2015 में भारत लौटी गीता अपने माता पिता को खोजने महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची। गीता बोल सुन नहीं सकती। जब वो 7 साल की थी तो पाकिस्तानी रेंजर्स को लाहौर स्टेशन पर समझौता एक्सप्रेस में बैठी मिली थी।
गीता को पाकिस्तान से अपने वतन लौटे 5 साल हो चुके हैं। गीता अपने बिछड़े परिवार से मिलना चाहती है। उसी की तलाश में गीता महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची। मूक बधिर गीता इंदौर में एक एनजीओ आनंद सर्विस सोसाइटी के साथ रहती है। कई दंपतियों ने उसके माता पिता होने का दावा किया, लेकिन वो उनमें से किसी को नहीं पहचान पाई और उनमें से कोई भी अपने दावों को साबित नहीं कर पाया। गीता बताती है कि उसका घर एक रेलवे स्टेशन के पास था, जहां मंदिर था, नदी बहती थी। ये भी बताती है कि वहाँ जहाँ से ये घूमी थी, वहाँ पर डीजल इंजन था, इलेक्ट्रिक इंजन नहीं था, बल्कि भाप वाला इंजन चलता था और डीजल इंजन था। तो हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं, कल औरंगाबाद से नांदेड़ तक आए तो वहाँ पर सचखंड एक्सप्रेस जो है, जो कि यहाँ नांदेड़ से सीधी अमृतसर जाती है और अमृतसर से समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान जाती, ये कनेक्शन से हम लोग यहाँ पर आए हैं। और तेलंगाना का जो बासर जगह है, लोगों से बता रहे तो ऐसा लगता है कि शायद इसका घर मिलने की संभावना है। गीता जिस तरह से अपने घर का वर्णन करती है, उससे लगता है कि ये महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच किसी जगह की रहने वाली होगी। पिछले 5 साल से आनंद सोसाइटी गीता के परिवार को खोजने की कोशिश कर रही है। हमको इस बात के लिए सौंपा गया कि इसके हम माता पिता को ढूंढें, तो हम लोग लगातार लगे हुए हैं। 4 महीने से अंडर ऑब्जर्वेशन उसको रखा हुआ था। जो इसका खान पीन है, जो इसका स्टाइल है, उससे लगा कि महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर से इसका कुछ कनेक्शन है और औरंगाबाद से नांदेड़ इसलिए सचखंड एक्सप्रेस ट्रेन में भी हम बिठाकर लाए। इसको जगह जगह दिखा रहे हैं और यहाँ पर बताने इससे पूछ रहे हैं। ये बताती है कि गन्ने का खेत है, चावल और मूंगफली होता है, और इसके अलावा ये बताती है डीजल इंजन और स्टीम इंजन भी होता था जब ये घूमी थी। इसके अलावा ये बोलती है कि गांव में हिंदी बोलने का ठेला भी लगता था। ये सारी बातों को लेकर हम गीता को लेकर आए हैं, सर्च कर रहे हैं इसके माता पिता का। ये भी अंदेशा है कि गीता नांदेड़ से अमृतसर जाने वाली सचखंड एक्सप्रेस में बैठकर अमृतसर गई हो और वहीं से समझौता एक्सप्रेस में बैठकर पाकिस्तान पहुंची हो। करीब 20 साल पहले जब पाकिस्तानी रेंजर्स ने गीता को लाहौर स्टेशन पर समझौता एक्सप्रेस में अकेला बैठा पाया था, तब वो महज 7-8 साल की थी। ईडी फाउंडेशन के एक व्यक्ति ने उसे गोद लिया था। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कोशिशों से गीता को 26 अक्टूबर 2015 को भारत वापस लाया गया। सुषमा स्वराज ने गीता को आश्वासन दिया था कि भारत सरकार उसके माता पिता की तलाश करने की पूरी कोशिश करेगी। नांदेड़ से कुंवरचंद मंडले के साथ आज तक ब्यूरो। बात मौसम की, दिल्ली में आज भी मौसम बेहद सर्द है। इस दौरान पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में मुसीबत बढ़ गई है। की तरह जम रही जिंदगी, कड़ाके की सर्दी में ठिठुरने लगे हैं लोग। दिल्ली पर सर्दी की जबरदस्त मार, ये लगातार चौथा दिन है जब दिल्ली वालों को भयानक सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। हालत ऐसी है मानो जिंदगी थम सी गई हो। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं। इस वक्त अगर हम टेम्परेचर की बात करें सिंघू बॉर्डर पे, तो करीब 7 डिग्री के टेम्परेचर है, लेकिन तेज हवा चल रही है जिसकी वजह से ठंड बेहद ज्यादा है। दिल्ली में कल पारा 4.1 डिग्री तक नीचे गिर गया था। आज भी कोई राहत नहीं है। दिल्ली के अलावा राजधानी के सटे इलाके गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद भी सर्दी में ठिठुर रहे हैं। यहाँ पे ठंड का कोई व्यवस्था नहीं है, जो है ठंड को खत्म करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि और जगह हम आउट ऑफ स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे लक्कड़ का व्यवस्था होता है हर बस अड्डे पे, यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। नहीं भाई, कोई जगह नहीं मिल रही। यहाँ थोड़ा सा आग जल रही है, यहीं थोड़े से सुकून मिला है ना, बहुत ठंड से बहुत परेशान। सर्दी में देश का रेगिस्तानी सूबा राजस्थान भी ठिठुर रहा है। हिल स्टेशन माउंट आबू की पहाड़ियां और मैदान कोहरे के आगोश में है। यहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास घूम रहा है। दिल्ली और देश के तमाम मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम है, तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी दुश्वार बन गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का हाल देखिए, प्रचंड ठंड से नदी नालों का जमना शुरू हो चुका है। कुल्लू जिले के कई इलाकों में कल तापमान 0 से 7 डिग्री तक नीचे पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का हाल देखिए, मंडी जिले के ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी के बाद धूप तो खिली, लेकिन शीतलहर से लोग बेहाल हैं। सर, इस बारी ठंड कुछ पिछले साल के से कुछ ज्यादा है और इस बारी कोहरा पड़ना अभी जल्दी से शुरू हो गया है, इस कारण से ठंड बहुत है।
जिसके कारण ये लकड़ी जला के थोड़ा सेकना पड़ता है, हाथ गर्म करना पड़ता है।